फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज दिखाऊंगी संदेश मिठाई कैसे बनाते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, वो हम कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। दूध को हम हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, दूध को हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दूध को हम पकाएंगे और इसे इसी तरह से ऐसे ऐसे करना है, बार बार इसे घुमाना है ताकि नीचे चिपके ना कढ़ाई के नीचे। तो ऐसे हम और कम कर लेते हैं। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था और मैंने 150 ग्राम चीनी ले लिया है। अगर आप पाउडर दूध यूज करते हैं, जैसे इसमें आप पाउडर दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 पैकेट यूज करना है या 4 पैकेट भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमने ये नहीं किया है। मैं बस ऐसे ही दूध में किया है इसको, इसीलिए मैंने 150 ग्राम चीनी ले लिया है। आप 100 ग्राम चीनी ले लीजिएगा अगर पाउडर आपको देना है तो। तो हम इसी तरह दूध को और कम कर लेते हैं और आप 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा और कॉर्नफ्लोर ऐसे कटोरी में लेके बस 2 चम्मच ले लेना। फिर इसे हल्की सी पानी मिक्स करके आप जो दूध में डालना है तो ये बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन हम पानी में नहीं डालेंगे। मैंने चीनी डाल दिया है और चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप बहुत ही कम चीनी अगर डालिएगा तो जिसको तो शुगर है उसके लिए भी बढ़िया है ये, मतलब आपको मिठाई खाने का मन करेगा, लेकिन जो चीनी के वजह से आप लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन इस तरह से आप दूध को ऐसे मार के आप खा सकते हैं। मैं बस दूध में ही बनाया है इस तरह से, और इसको जब दूध हमने डाला था तब हाई फ्लेम करके रखा था, फिर धीरे धीरे जब एक कम हो गया तब हम क्या किया, इसे लो फ्लेम में कर दिया, मतलब गैस को धीमी कर दिया। मैंने इलायची ले लिया है, इसका पाउडर बना लेते हैं। इलायची का पाउडर बना लिया हमने, बस इसी तरह इसे ऊपर ऊपर हल्की सी मिलाना है। तो इसको मिला दिया है, बस इसे अच्छे से घुमा लेते हैं। जो कॉर्नफ्लोर डालने से स्मूथ होता है और बहुत ही बढ़िया बन जाता है। और ये मतलब कितना स्मूथ हुआ है देख लीजिए। तो ये बनके रेडी हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। उठा लेते हैं, हल्के हल्के गर्म है ये, इसको सारे हम प्लेट में उठा लेते हैं ऐसे। इसे घी लगा लेते हैं ऐसे। घी लगाने के बाद ऐसे हम गोल गोल कर लेते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे गोल कर लेते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, मतलब दूध ये ज़्यादा उपकरण भी नहीं लगता है इसमें। ऐसे गोल गोल कर लीजिएगा, ऐसे गोल गोल बना के रख दीजिएगा। ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब ये बच्चे के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, जब खाने का मन करे आप लोगों को तो ज़रूर बना लीजिएगा इसे, और बहुत ही बढ़िया बनते। ऐसे हम 5-6 कर लेते हैं और ये दूसरा सेप भी हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे हाथ में ऐसे लेके इसे गोल कर लिया हमने, ऐसे गोल करने के बाद थोड़ा घी लगा लेते हैं ऐसे। ऐसे करने के बाद हाथ से फिर इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे इसको, इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद ऐसे
बन रहा है, तो इस तरह से भी हम बना लेंगे। और भी बना लेते हैं इस तरह, थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। बहुत छोटा बना है ये, तो इसको भी देख लेते हैं, शेप में कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हो गया है, इसके खोल के देख लेते हैं। बहुत ही छोटा बना हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।